पीपल वृक्ष की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने वाला बताया गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल वृक्ष की शनिवार के दिन विशेष पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होने के साथ साथ धन समृद्धि यश कीर्ति आदि का भी प्राप्ति होने लगती है। अगर पीपल के पेड़ की प्रतिदिन या फिर शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का दिन में इन दो समय इस विधि से पूजन करता है तो उसके पूर्वज पितृ प्रसन्न व तृप्त होकर सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। जाने कैसे और किस समय करें पीपल वृक्ष की पूजा, आइए जानते हैं। पीपल वृक्ष की प्रतिदिन या शनिवार के दिन सूर्योदय के कुछ समय पूर्व एवं सूर्यास्त के तुरंत बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना से दोनों ही समय पीपल वृक्ष के पास जाकर पहले सरसों के तेल का एक दीपक व सुगंधित धूप जलाएं, फिर हल्दी कुमकुम चावल पुष्प से पूजन कर शक्कर मिला मीठा जल एक लोटा चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल की जल में चढ़ा दें। अब पीपल पेड़ की 11 परिक्रमा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो इस भाव से करें। उक्त कर्म दोनों समय करना है, कुछ ही दिनों में लाभ दिखाई देने लगेगा। आइए जानते हैं पूजा पीपल की पूजा के लाभ। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। पीपल वृक्ष की हर रोज विशेष पूजा करने से अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को घोर संकटों से मुक्ति मिलती है। जय बोलो बजरंगबली की जय हो। पीपल वृक्ष के नीचे बैठा जल चढ़ाने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे मीठा जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। विशेषकर अमावस्या तिथि को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पंचमेवा अर्पित करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष को साक्षात विष्णु का रूप माना जाता है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अन्य सामग्रियों के साथ इसका प्रयोग करके धन वैभव सुख ऐश्वर्य हासिल किया जा सकता है। कई तरह के मानसिक रोगों में भी पीपल से बनी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये पीपल के वृक्ष की विशेषताएं आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।